नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम और उनकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? यह दिस इज द क्वेश्चन, इफ एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू वन, ठीक है वन, फाइंड डी बाई डी एक्स। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि इनको ई की फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। यदि आप इसका लॉग नहीं ले पाएंगे, लॉग आप क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। आप क्या नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि लॉग एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग इधर लगा लें और लॉग वन इधर लिख लें। स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे केवल ई की पावर में कन्वर्ट करने पर। मैंने आपको बताया है, अच्छी तरह बताया है कि ए टू द पावर बी इक्वल टू क्या होता है, e log base e a टू द पावर b होता है। यदि स्टूडेंट यहाँ पर a है तो तुम इसे इतना लिखना जानते हो ना, मैंने ये बताया ना a इक्वल टू e टू पावर e a लिख सकते हैं, ऐसा बताया है तो इसको भी लिख लीजिए। इसी तरह से हम x की पावर y को तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसे, इसे इस फॉर्मेट में लिखो तो कैसे लिखेंगे इसे, e log base e x टू द पावर y, ठीक है प्लस इसे क्या लिखेंगे, e log base e y टू द पावर x इक्वल टू कितना आएगा वन, ये आएगा ठीक है। अब जरा इसमें y पहले आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे इसे, e y इंटू log base e x प्लस यहाँ पर इस x को यहाँ ले लीजिए e x इंटू log base e y इक्वल टू कितना आएगा वन आएगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना? अब इसे डिफरेंशिएट कर दिए, इसी तरह से डिफरेंशिएट करिए चैन रूल से, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जब इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको एक्स मानेंगे ना पहले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएट क्या होता है ई की पावर एक्स, सो दिस इज द ई टू द पावर वाई इन टू लॉग बेस ई एक्स, राइट, इतना आ गया। अब देखिए जिसको आपने एक्स माना है ना उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लीजिए भाई, जिसको आपने x माना है उसे दोबारा डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लगाएंगे इसमें, प्रोडक्ट लगेगा, तो क्या होगा y इंटू वन अपॉन एक्स प्लस कितना आएगा log बेस ई एक्स, और फिर इंटू y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y को डिफरेंशिएट करना है खाली, आपने y एज इट log x को डिफरेंशिएट करा तो वन अपॉन एक्स आ गया, फिर log x एज लिखा, यहाँ पर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन वाई, कहाँ से आ गया, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो खाली एक्स रेस्पेक्ट डी बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पर वन अपॉन वाई कहाँ से आ जाएगा, ये तो नंबर एज इट आएगा, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो खाली डी बाई डी एक्स तो आएगा, वन अपॉन वाई कहाँ से आ गया बताइए, हैं अरे खाली डी बाई डी एक्स तो आएगा, ठीक है तो दिस इज द डी बाई ओवर डी एक्स, ठीक है इतना काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने इन दोनों में क्या लगाया, प्रोडक्ट लगाया, बात समझ रहे हो, ठीक है प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको x मानेंगे तो क्या आएगा, दिस इज द e टू द पावर x इन टू लॉग बेस ई वाई एज इट, अब इसमें क्या लगाएंगे, अब प्रोडक्ट को लगाएंगे ना तो क्या करेंगे x एज इट और log y का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, वन अपॉन वाई इन टू डी वाई डी एक्स प्लस क्या रहेगा log बेस ई वाई रहेगा और x को डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा वन आएगा, इंटू वन लगाने से कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा जीरो आएगा, इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? इसके बाद ये डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे सॉल्व करना तो कैलकुलेशन है, राइट। अब जरा कैलकुलेशन कर लो, आप इसको दोबारा क्या लिख सकते हो भाई, इसको दोबारा आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर वाई ब्रैकेट y अपॉन x प्लस कितना आएगा log बेस ई एक्स इंटू कितना आएगा डी बाई डी एक्स प्लस ये क्या आएगा y टू द पावर x, ठीक है ना, और ये क्या आएगा x अपॉन y इंटू कितना आएगा डी बाई ओवर डी एक्स प्लस कितना आएगा log बेस ई वाई इक्वल टू कितना आ गया जीरो, ब्रैकेट हटा लीजिए और डी बाई डी एक्स एक तरफ ले लीजिए, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा y इंटू
एक्स पावर वाई माइनस वन, समझ रहे हो? और कितना आएगा वाई इंटू एक्स पावर वाई माइनस वन प्लस कितना आएगा एक्स की पावर वाई लॉग बेस ई एक्स और कितना आएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है? प्लस इसको मल्टीप्लाई ऐसे करें तो क्या आएगा एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस वन, है ना? और साथ में रहेगा डी बाई डी एक्स, और इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई वाई इक्वल टू कितना आएगा जीरो, ठीक है? डी बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ रख लो, बाकी टर्म एक तरफ कर दो। तो आप ऐसा कर लीजिए, इन दो टर्म्स को एक तरफ रख लो, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स टू द पावर वाई लॉग बेस ई एक्स प्लस एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस वन, ये आ गया इक्वल टू, ये दोनों नंबरों को आप इधर ले आइए, तो ये माइनस बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा वाई एक्स टू पावर वाई माइनस वन प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग बेस ई वाई, ये आ गया। अब आपको डी बाई डी एक्स निकालना है तो स्टूडेंट इसको इसके नीचे ले लो, क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस वन प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग बेस ई वाई अपॉन एक्स टू द पावर वाई लॉग बेस ई एक्स प्लस एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस वन, ठीक है? बात समझ आ गई आपके? बहुत अच्छी तरह से आ गई। आप इसे एक बार अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं आपकी दूसरी प्रॉब्लम लूँगा, आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं एक स्टूडेंट्स की। प्रॉब्लम है आपके पास ये कि x इक्वल टू ए टू पावर थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कोस थीटा, y इक्वल टू ए टू पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। स्टूडेंट ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि ये x का फंक्शन थीटा के टर्म में दे रखा है और ये y का फंक्शन किसके टर्म में दे रखा है थीटा के टर्म में दे रखा है, ठीक है? आप इसे दो अलग अलग क्वेश्चन मान के चल सकते हो, इन दोनों को यहाँ पर अलग अलग मान लीजिए, ठीक है ना? इस फंक्शन को आप थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, जैसे हम एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते थे उसी तरह से हम थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है? और इसको भी डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक? आप इन दोनों में क्या लगाओगे, प्रोडक्ट टू लगाओगे ना? आप थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर डी एक्स ओवर डी थीटा, ये तो लिखोगे है? अब जरा लगाएंगे तो क्या आएगा, इसमें प्रोडक्ट टू लगाइए, ये आएगा ई टू पावर थीटा इतना आ गया इनटू अंदर वाले नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट तो क्या आएगा साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट क्या आएगा कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसको एज इट लिखिए, ये क्या आएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर ई की पावर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट तो कितना आएगा ई थीटा आएगा। कोई कन्फ्यूजन आपके यहाँ तक? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्मेट, ठीक है? अब आप पास डी एक्स ओवर डी थीटा निकल गया, अब वाई के बारे में निकलिए, वाई को डिफरेंशिएट कर लिए, वाई इक्वल टू कितना है वाई ई थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? यहाँ पर भी आप क्या करेंगे प्रोडक्ट टू लगाएंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक? आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो डी वाई ओवर डी थीटा निकाल सकते हो, कितना आएगा ई थीटा एज इट रखिए, ठीक है? और यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस क्यों हो गया है क्योंकि कॉस को डिफरेंस किया तो माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर पहले से दे रखा है, और प्लस कितना आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ए की पावर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा ई थीटा आएगा, ठीक है? अब देखिए आपके पास डी एक्स ओवर डी थीटा आ गया, आपके पास डी वाई ओवर डी थीटा आ गया, आपको निकालना क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है? तो डी वाई ओवर जो डी एक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा डी वाई अपॉन डी थीटा में, इसमें इसको डिवाइड कर दो, डी एक्स ओवर क्या कर दो डी थीटा कर दो, ठीक है भाई? डी वाई ओवर डी थीटा को या डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स रह जाएगा। अब आप क्या करेंगे
आप इसे ऊपर लिख लीजिए एज इट, और चाहो तो इसमें से ई थीटा थोड़ा कॉमन ले लीजिए। ई थीटा जब इसमें से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर कॉस थीटा प्लस क्या बचेगा साइन थीटा प्लस क्या बचेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन आप यहाँ से भी माइनस ई थीटा कॉमन ले लो तो ई थीटा यहाँ पर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर कॉस थीटा माइनस कितना रहेगा साइन थीटा प्लस क्या रहेगा साइन थीटा और प्लस कितना रहेगा कॉस थीटा, ठीक है, कुछ कट जाए तो काट दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से कॉस से क्या हो जाएगा कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा सर टू साइन थीटा अपॉन टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा, टू भी कट जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया डी वाई ओवर डी एक्स आ गया टेन थीटा, बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये एक्स का फंक्शन थीटा के टर्म में दे रखा है, ये एक्स का फंक्शन टी के टर्म में भी आ सकता है, ठीक है, यदि यहाँ पर टी के टर्म में होता या वहाँ ई टी होता तो हम क्या करते डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते इसको, ठीक है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, खास मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, एक बार बहुत अच्छी तरह से कॉपी करिए, और हाँ मेरे कहने से वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, ठीक है ना, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।